गई। ये रुक्मणी जब से मायके गई है मेरा तो नींद चैन सुख सब हराम हो गया, समझ नहीं आता क्या। शाब्दी शाब्दी अभी सब लफड़ा खत्म हो गया है। कैसे? वो आपका नया नेम साहब आ गया है। नहीं नहीं मतलब आपके लिए नया नौकरानी आ गया साहब। अच्छा अच्छा क्या नाम है? धन्नो। क्या हुआ साहब? लड़की है ना? लड़की है साहब। क्या लड़की है? आपका सब काम हो जाएगा। बुला बुला उसे। चलो जी धन्नो। नमस्ते नमस्ते। क्या नाम है तेरा? प्यार से लोग मुझे धन्नो कहते हैं। अरे वाह अच्छी खासी लड़की को घोड़ी बना दिया तूने। अरे शाह जी है पहले पूरा बात तो सुनो। आपको धन्नो बोल बोल बोल। दरअसल मेरी माँ का नाम बसंती है इसीलिए उसने मेरा नाम धन्नो रखा है। अरे वाह फिर तो तेरे बाप का नाम वीरू होगा। हाँ हाँ और मेरे चाचा का नाम जय। अरे वाह बहादुर तू तो पूरी शोले उठा रहा है। लेकिन देख लड़की ये रामगढ़ नहीं है शोले वाला, ये मेरा घर है। मुझे अच्छा काम करने वाली चाहिए समझी। सारा काम करूंगी ना साहब। मेरा मतलब है मुझे सिर्फ अच्छी चाय और अच्छा खाना बनाने वाली चाहिए बस। देखो देखो जब तक मेरे साहब मुलुक से नहीं आता है तब तक पूरा घर का काम तुमको करना पड़ेगा। मतलब कि तुम घर वाली है। नहीं नहीं मतलब कि वो शाह के नहाने से लेकर सोने तक का पूरा ख्याल तुमको रखना पड़ेगा। करूंगी ना। हाँ ठीक है ठीक है। चाय बनानी तो आती है ना? एकदम अच्छा चाय बनाती शाह। और खाना? खाना तो बहुत अच्छा बनाती है। तू चुप रहेगा? जी। तो फिर काम शुरू करो। कहाँ से शुरू करूँ साहब? बहादुर जी चुनरी के पीछे क्या है? चुनरी के पीछे चोली के नीचे क्या है? चोली ये क्या हो रहा है? नाश्ता बना रही हूँ साहब। वो तो मुझे पता है लेकिन ये गाना क्यों गा रही हो तुम? साहब जब तक मैं गाना नहीं गा लेती खाना नहीं बना सकती। ऐसी बात है लेकिन देखो इस घर में ये गाना वाना नहीं चलेगा समझी। समझ गई ना? जाओ जाओ ना। उसकी बात को पूरा मानने के नहीं है। अभी वो बूढ़ा हो गया है प्यार मोहब्बत क्या उसको नहीं मालूम पड़ता है। ये तो हम लोग जवान लोग का काम है। ये सब तक मैं तुमको इस घर में प्यार मोहब्बत का कोई कमी नहीं पड़ेगा। खाली खाली शाह को टाइम पे खाना पीना देने का है बस। तो देखना खाना तो मैं ऐसा बना के खिलाऊंगी कि तेरा साहब मेरे पीछे पागल हो जाएगा। अरे तू मैम साहब को नहीं जानता है वो बहुत बड़ा डॉक्टर है। उसको देख के साहब का पागलपन फुर फुर उड़ जाता है। हाँ। लेकिन यहाँ पर मैं तेरे को अपने वास्ते लेकर आया। मतलब तू समझ है ना? तू भी जवान है मैं भी जवान है। धन्नो किसी ऐसे वैसे के चक्कर में फंसने वाली नहीं। चल धन्नो। लगता है साहब किसी लोफर में फंसने वाला है। बहादुर ए बहादुर अरे आपके प्रसाद तो ले जा। कहाँ मर गया कमबख्त। जब जरूरत होती है गायब हो जाता है नहीं तो 24 घंटे आंखों के सामने नाचता रहता है। अरे बहू तू सदा सुहागन रहे बस भगवान अब मुझे जल्दी से एक पोती दे दे। लेकिन तू आई कब? जब वो मुझे ले आए। क्या मेरा प्रकाश इतना बदल गया कि तुझे तेरे घर जाके ले आए? आखिर मेरा ही बेटा है ना। ये क्या अनर्थ हो गया? पराई लड़की को मैंने अपनी पोती की माँ बनने का आशीर्वाद दे दिया। आपका आशीर्वाद अनर्थ नहीं जाएगा माँ। ठीक है लेकिन तू है कौन? आपके चरणों की दासी। अच्छा अच्छा प्रकाश नई नौकरानी लेकर आया है। नई नौकरानी नहीं नई बहू। नई बहू? ये क्या बकवास कर रही है? बकवास नहीं माँ जी ये सच है। अच्छा समझ गई बहादुर तुझे ले आया है। बहादुर तुम फिर क्या प्रकाश है? वो तस्वीर किसकी है? वो मेरे बेटे की। आपके बेटे की? हाँ। ओह एक मिनट जरा बुला दीजिए ना उन्हें। क्यों? वो माफी मांगनी है। माफी किस बात की? वो कल रात उनके साथ बड़ी बदतमीजी से पेश आई थी ना इसलिए। अच्छा अच्छा तो तू है वो सैंडल वाली?
सैंडल वाली। हाँ अरे अरे जाती कहाँ है? मैं वो अंदर आ अंदर आना। लेकिन माँ जी वो चुप बैठ बैठ। कहाँ पसीना ये सैंडल तेरे हैं? ये नहीं नहीं मेरे नहीं है। ये सैंडल तेरे हैं? हाँ। हे भगवान प्रकाश ने मुझे ये दिन दिखाने थे और वो भी इस उम्र में। मैं 18 बरस की हो गई मैं क्या करूं मेरी चोली छोटी हो गई मैं। ए धनो तुझे चोली के अलावा और कोई गाना ही नहीं आता क्या? इसमें मैं क्या करूंगी साहब, आजकल जिधर जाओ ऐसा ही गाना बजता है इसीलिए मुझे याद हो गया। अच्छा ठीक है ठीक है। खाना क्या बनाया? चोली की भाजी। चोली की भाजी? बहादुर बता रहा था आपको चौलाई की भाजी बहुत पसंद है इसीलिए मैंने बनाई। अच्छा इसलिए बनाई। जाओ साहब जी एक बात बताओ। हाँ? ये फिल्म वाले लोग हीरो की कमीज पे गाने क्यों नहीं बनाते? चोली में ऐसा क्या है? चोली में कैसी बेहुदा बातें करती हो तुम। बहादुर सुन लेगा तो क्या बोलेगा? बहादुर सुन लेगा तो क्या हुआ, हम थे ना कुछ ऐसा वैसा कर रहे हैं। अरे बड़ी बेशरम हो तुम। इसमें शर्म की क्या बात है, प्रेम तो बहुत जरूरी है। प्रेम का मतलब जानना है तो प्रेम करके देखो। रे बाबा इसकी अदा, रे बाबा इसका नशा, रे बाबा रे बाबा रे बाबा रे बाबा बाबा। शादी शादी शादी। क्या हुआ? मिम साहब आया। मिम साहब आया? हाँ। कहाँ है मिम साहब? नहीं है? वो तो आपको लोहरे से बचाने के लिए बुला है। बेवकूफ ये लफड़े में तूने ही तो डाला है मुझे। एक बात पूछूं? हाँ। कि आप इसको इतना घूर घूर के काय को देखता है? घूर घूर के यानी क्या बकवास करता है तू? मुझ जैसे शरीफ इंसान पर इल्जाम लगाते हुए शर्म नहीं आती तुझे? अरे मैंने तो कॉलेज के दिनों में भी सिर्फ एक ही लड़की को लाइन मारा था। ऐसा? हाँ। और बाद में मजबूरी में उसी के साथ शादी करना पड़ा। वो बात अलग है। अभी लगता है कि मेम साहब को बुलवाना पड़ेगा। क्यों? मेम साहब अगर अपने मायके रहती तो तुझे क्या तकलीफ होती है? मुझे नहीं साहब जी, आपको तकलीफ होता है। अरे नहीं नहीं मुझे कोई तकलीफ नहीं। नहीं खाने पीने का कितना तकलीफ होता है आपको? अरे नहीं नहीं जब से धन्नो आई है खाने पीने का बड़ा सुख है। वो तो फिर भी ठीक है, लेकिन चाय तो बहुत ही गंदा बनाती है। क्या बात करता है, इतनी बढ़िया चाय बनाती है जी करता है उसका मुंह हाथ चूम लूं। लेकिन फिर भी पगार कितना जास्ती मांगती है वो। तो मुझसे मांगती है ना, उसमें तेरा क्या जाता है? अभी आपको क्या बोलेगा कि मेरा क्या ज्यादा है साहब जी? क्या मतलब? वो तो सभी मेम साहब आएगा तभी आपको मालूम पड़ेगा मतलब क्या है इसका। यानी मेम साहब का नाम लेके तू मुझे डराना चाहता है? नहीं नहीं चल नहीं। अपना काम कर जा, जा उधर नहीं इधर जा। मेम साहब आएगा तो मालूम पड़ेगा। मेम साहब जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। चलो बुलावा आया है, माजी ने बुलाया है। क्या माँ बुला रही है? हाँ। अरे मर गया। चलो चलो माँ आया। माँ माँ कैसा रहा तुम्हारा टेंपल सीक्वेंस? कमीनी कमजर्फ कमबख्त। के क्या अर्जुन हिंगोरानी की नई फिल्म आ रही है माँ? जंगली जानवर बदतमीज। शम्मी कपूर फिल्म फेस्टिवल। माँ मैं भी चलूंगा। बोलोरा कहाँ है? नमकहराम चालबाज बाजीगर। क्या फिल्म है माँ, क्या फिल्म है, जरूर देखना। मुझे क्या खुशी हो रही तुमने अपना टेस्ट बदल लिया माँ। पर तुम्हारे टेस्ट को क्या हो गया जो उसको घर में लेकर आए हो? माँ कैसी बात करती हो, रुक्मणी को तुम्हें तो पसंद किया था इसलिए मैंने शादी की। मैं रुक्मणी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं उस कलमोही की बात कर रही हूँ। कौन कलमुही माँ? वही धन्नो। हम कुछ नहीं बोला हम कुछ नहीं। मेरे इस घर में होते हुए तुमने ऐसी हरकत की कैसे? माँ कैसी बातें करती हो तुम, क्या मैं निर्दयी हूँ, पापी हूँ, कमीना हूँ? हाँ माँ ठीक है मैं कमीना हूँ, पर इतना भी कमीना नहीं कि एक बीवी और दो बच्चों के होते हुए किसी गैर औरत को मैं अपने घर में ले आऊं। तो फिर वो कलमुही इस घर में आई कैसे? यही तो मैं माजी वो तो ये बहादुर का बच्चा उसे लाया मेरे सर पे थोपने को। माँ तो माजी हम लेके आगे घर का साफ सफाई करेगी, थोड़ा बहुत काम करेगी, बस और क्या। तो तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया बेवकूफ? अरे माजी कैसे बोलेगा, आप अपने सामने किसी को बोलने का मौका देता है तो मैं बोलेगा क्या? कहा और क्या माजी, आप तो बिल्कुल तबस्सुम है। तबस्सुम? तबस्सुम हाँ, इंटरव्यू को बुलाता है फिर बोलने का मौका नहीं देता है। तो क्या वो धन्नो दूसरी औरत नहीं है? माजी दूसरी औरत नहीं है, पर वो दूसरा औरत बनने के चक्कर में है। वो होता है ना वो पोती पत्नी और वो। फिर ये दवाइयाँ
क्या बात है? क्या बताऊं निर्मला, रात भर जागा हूं मैं। क्या हुआ? रात को बीवी की तबीयत एकाएक ज्यादा खराब हो गई, चारों तरफ मुझे अंधेरा दिखाई दे रहा है जी। कुछ समझ में नहीं आता क्या करूं, रेल के सामने कूद के जान दे दूं अपनी या नदी में डूब मरूं। रंजीत, रंजीत मेरी तरफ देखो। रंजीत तुम रोगे नहीं, मैं जो हूं ना, दैट्स इट। अच्छा, ये वो बनना चाहती है? हाँ माजी हाँ। माँ तुम इस झूठे की बातों में क्यों आती हो? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि रुक्मणी के जाने के बाद इस घर में हो क्या रहा है। ना ना माँ ना, अगर तुमने इस पाखंडी की बात पे भरोसा किया ना तो तुम्हारा बेटा अपने आप को खत्म कर देगा। माँ खत्म कर देगा तुम्हारा बेटा अपने आप को। मुझे वो धन्नो नहीं चाहिए जिसके पाए रुक्मणी के घर बार पे रखे हुए जा रहा हूँ। सलीम शहजादा, सलीम साहब जी, साहब जी। सच बात तो ये है कि इन मर्दों का कोई ठिकाना ही नहीं है। तुम मुझे क्या घूर घूर के देख रहे हो? तुम कौन से सीधे थे? माफ करना, माफ करना। क्या हुआ? दर्द हो रहा है। कहाँ? यहाँ। अच्छा अच्छा, जाके दवाई लगवा लो। हाँ हुआ? मैं उठ नहीं सकती। तो मैं क्या करूं? उठा के ले चलो ना। क्या बकवास करती है तू? चिल्ला मत, चिल्ला मत, पड़ोसी सुनेगा तो क्या बोलेगा? चिल्लाऊंगी वरना मुझे उठा के ले चलो। अरे यार तू मुझे धमकी देती है क्या? अरे उठाता उठाता हूँ। बहादुर माँ ठीक है। माजी तो कभी नहीं आ सकता है। माजी माजी हाँ, तो तुम माजी से कह देगा क्या? आप नहीं जाएगा तो वो बोलेगा। नहीं अब मैं ऑफिस जाता हूँ। ए चौकड़ी पागल है क्या? काय को मेरा साहब का पीछा करती है? हाँ चल उठ उठ। तू काय को बीच में आया? ए देख मेरे साहब को एक बीवी है, दो बच्चा है, वो मेम साहब को मालूम पड़ेगा ना तेरे को उठा के बाहर फेंक देगा वो। हाँ उससे पहले मैं तेरे साहब से शादी मना लूंगी। अरे जा, मेरे को मेरे साहब का टैक्स मालूम है, वो कभी शादी नहीं मनाएगा। मनाएगा बनाएगा और फिर ये बंगला मेरा हो जाएगा। अच्छा, मैं तेरे को यहाँ पे लेके आया रोटी चावल और दाल बनाने को, ये सोच के तेरे को दो टाइम पे खाना मिले खाने को, तू तो पूरा बंगला निकलने के चक्कर में। अपने आप को श्री देवी समझती है क्या? क्या को कुछ हो गया है? क्या हुआ? मालूम नहीं, पूछता हूँ तो बोलती है शामजी को बुला के लाओ। अच्छा क्या? अच्छा अच्छा चलो चलो। ए धनो क्या हुआ? हुआ नहीं, होने वाला है। क्या होने वाला है? मैं अपने मुंह से कैसे बताऊं? तो ठीक है बहादुर को बता दे, पूछना बताओ ना क्या होने वाला है। ये क्या बताएगा? अच्छा एक बात बताओ, एक लड़की स्वेटर कब बुनती है? जब सर्दियों की सीजन आती है तब। अच्छा ये बताओ, एक लड़की इमली और कच्चे आम कब खाती है? कब खाती है, कब खाती है? जरी आचार का मौसम आता है तब। अरे वाह। और संभल संभल के कब चलती है? जब म्यूनिसिपैलिटी ने सड़क खोद के रखी होती है तब। और पूछो और पूछो। और Yeah!
बहुत लफड़ा है, कुछ होने वाला है, कोई आने वाला है। यार कहानी में ट्विस्ट, मैं भी समझ गया ये किसका बाप है, कौन इसका बाप है, कौन इसका बाप है? बाप नहीं जी, ये तो प्रेम की निशानी है। क्या यानी पहले तू प्रेम चोपड़ा के यहाँ काम करती थी और उसकी निशान यहाँ तक ले आई? बहादुर निकल यहाँ से चल निकल। क्या हुआ, क्या हो रहा है? होगा क्या माँ जी, जिसका डर था बेदर्दी वही बात हो गई। अरे मगर तूने काजल लगाया और दिन में रात हो गई। मगर हुआ क्या? ये मर्द हम औरतों के साथ कर भी क्या सकते हैं? कर तो बहुत कुछ सकते हैं माँ। लेकिन इसने क्या किया? माँ ये झूठ बोल रही है, नाटक कर रही है। सोचो भला एक बीवी और दो बच्चों का बाप कभी ऐसा कर सकता है? माँ दो नहीं तीन। हे भगवान। माँ माँ ये सच नहीं है माँ। तो फिर सच क्या है? सच तो ये है कि जब धनो की लाश यहाँ पड़ी होगी और एक छोटा सा बच्चा पापा पापा करके रो रहा होगा तब पता चलेगा मैं चली। अरे अरे तू कुछ करना डमरू, देख क्या रहा। शादी हम क्या करेगा, ये तो हमारा बोलती बंद कर दिया है, क्या एक्टिंग कर दी है, क्या एक्शन है, क्या इमोशन है, क्या सीन है। अरे वो सीन के बच्चे, शादी हम सीन का बसा नहीं है, हम नेपाली बसा है। अरे अरे मैं तो पागल हो जाऊंगी, ये घर है कि फिल्म का स्टूडियो है? ना, शोलीम शेखागर, शोलीम शादी। जंग बहादुर, ओ जंग बहादुर, जंग बहादुर भैया, छोटा भैया जंग बहादुर। कैसा आया? वो क्या है, दिल है कि मानता नहीं था, इसके लिए मिलने को सोला आया। अच्छा अच्छा, तू कैसा है? ऐसा नहीं है, वो दिल दिया है, दौड़ दिया है। लेकिन क्या चिंता है मेरे को बताएगा नहीं? वो घर में छोकरी को लेके आया। घर में छोकरी को लेके आया? नहीं, वो शाबजी के वास्ते घर में। शाबजी के लिए? नहीं नहीं नहीं, शाबजी के काम काज को लेके आया, साफ सफाई करने को, खाना पकाने को छोकरी लेके आया। वो छोकरी शाबजी के साथ लोफड़ा किया है। लोफड़ा किया है साहब के साथ? क्या नाम है छोकरी का? धनु। धनु माँ का नाम बसंती है? हाँ हाँ बसंती है, कैसे मालूम, कैसे मालूम? वो क्या है, बसंती और हमारा बस ए तू बच्चा है, तू छोकरा है, अभी तू गिट्टू है। अभी तुम चिंता मत करो, तुम्हारा सब चिंता हम दूर कर देगा। पोका, एकदम पोका। बोला भैया, छोटा भैया, जाओ चिंता छोड़ के सो जाओ। ठीक है, आता है, आता है। ओए हैगल में, अरे कौन है आप? ये वर्दी किसके है? पुलिस की। तो फिर हम कौन हुए? पुलिस। लेकिन मैंने आपको कहीं देखा लगता है। हाँ ठीक है ठीक है। नहीं साहब, मैंने आपको, हो सकता है, पुलिस से तो हर कोई पहचान बनाने की कोशिश करता है। अरे साहब, घर के अंदर घुसता है, तुम जा रहे हैं, हम बुलाएं पुलिस को। अरे ए बहादुर, यही तो पुलिस है, तहकीकात करने आए। ठीक है शाफी, लगता है कि आपको कहीं देखा है। जरूर देखा होगा, हमारा बॉस पहले सेलर था, बाद में टेलर बना, अब जेलर है। लेकिन फिर भी कहीं देखा है, और शायद आज ही देखा है। तो आज ही तुम जेल से छूटे होंगे। लेकिन साहब, यहाँ आप आए किस लिए? इस घर में कोई चोर घुसा है। चोर? अरे बाप रे, किधर है? वो सब पता चल जाएगा। लेकिन साहब, मैंने जरूर आपको कहीं देखा है। अरे तुम कौन से हॉस्पिटल में पैदा हुए थे? मैं नेशनल हॉस्पिटल में। हाँ तो मैं भी वहीं पैदा हुआ था। अच्छा अच्छा, हाँ याद है। लेकिन साहब यहाँ चोर कहाँ है? एक लड़की है जो लोगों को ठगती है और उसी के लिए वो सजा काट चुकी है। हमने सुना है कि इस वक्त वो इसी शहर में है और एक शरीफ आदमी को अपना शिकार बनाने वाली है और उसकी इज्जत पर हाथ डालने वाली है। लेकिन वो उसकी कोई शनाख्त, कोई पहचान तो होगी? वो चाय अच्छी बनाती है, उसके हाथों का बना खाना खाकर लोग अपनी उंगलियां चाटते रह जाते हैं। वो चोली का गाना गाती है और सिर्फ चोली की सब्जी बनाती है। और चलती है, टकराती है, लोच खाती है, मोच खाती है और फिर गोद में आ जाती है और फिर गोद धरने का बहाना करके कहती है, सरकार मैं आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। ओ नो, अरे ये तो धन्नो का डिस्क्रिप्शन है। बहादुर, ए बहादुर के बच्चे, अरे कहाँ मर गया तू बहादुर? कितनी बड़ी मेहरबानी की, कि उलझन से मुझे निकाला है। हे भगवान,
लेकिन साहब देखिए, मैं एक शरीफ आदमी हूँ, मैं नहीं चाहता कि ये बात बाहर जाए, अंदर ही रहे तो अच्छा है। वैसे हम आप बेफिक्र रहिए, ये बात अंदर ही रहेगी। वापस दे दो, वापस दे दो। लेकिन साहब देखिए, वो मैं एक शरीफ आदमी हूँ, ये कोर्ट कचहरी पुलिस पुलिस का जो चक्कर है। पुलिस का कोई चक्कर नहीं है, ये तो क्या है, ये चौकर तो फिल्मी चौकर है। बोलो भैया, बोलो भैया।